अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल राउंड अप ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन कश्मीर, इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या हो रहा है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मोदी साहब की सेकेंड ईयर टेन्योर चल रहा है इंडिया के अंदर, और ये जो सेकेंड टेन्योर इनका जब स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A दोनों को रिपील कर दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से, जिसकी वजह से एक तो जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वो भी ख़त्म हो गया, और उसके अलावा जो जो इंडिया के तमाम जो नॉन कश्मीरी बाशिंदे हैं इंडिया के, उनको ये हक़ दे दिया गया कि वो आकर के कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीनें ख़रीदें और मतलब अपनी सकूनत इख्तियार करें। तो ये चीज़ जो है कश्मीरी अवाम के लिए, कश्मीरी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी, बिकॉज ऑफ़ द रीज़न के वो 70 साल से जो कश्मीरी लोग हैं वो अपनी आज़ादी की एक जंग लड़ रहे हैं। वो कश्मीर की जो इंडियन ऑक्यूपेशन है कश्मीर के ऊपर, उसको वो हर तरीके से, हर डिफरेंट तरीके से उन्होंने रेजिस्ट किया है। उन्होंने अपनी जानें दी हैं, उनके बच्चे जो हैं वो मतलब इंडिया के ख़िलाफ़ रेबल फ्रीडम फाइटिंग करते हैं, और लाइक वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो इंडिया का हिस्सा बन के रहें। तो जाकर ये कि ये बात के ये अलाउ कर दिया जाए कि पूरे हिंदुस्तान से आकर के लोग यहाँ पर सेटल होना शुरू कर दें, और ज़ाहिर अगर ऐसे होगा तो कश्मीरी पॉपुलेशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, और कश्मीर का ऑटोमेटिकली जो स्टेटस है कि वो कश्मीर, कश्मीरी लोगों की एक जगह है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो उसने आते ही साथ मोदी साहब ने ये दो काम किए थे, लेकिन उसके फौरन बाद से ही कश्मीरी लोगों के ऊपर मज़ीद बहुत सारे किस्म के जो है ना वो सख्तियाँ और एक्सपेरिमेंटेशंस उनके साथ मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें शुरू में आते ही मतलब जब ये आर्टिकल्स रिपील किए गए तो उनकी इंटरनेट ब्लॉकेज, उनकी अखबारों को बंद कर दिया गया, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, और बिल्कुल कश्मीर से इन एंड आउट जाने के रास्ते बंद कर दिए गए, और बिल्कुल एक जो इम्पीरियल और एक जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के काम होते हैं एग्जैक्टली वही तमाम शुरू कर दिए गए। स्पेशल फोर्सेस के बहुत ज़्यादा 60-70,000 अखबारों में आया कि ये स्पेशल फोर्सेस मज़ीद इंडिया के कश्मीर के अंदर एंटर करवाई गई, और उनकी मदद से ये अभी 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में लाइक इनकाउंटर्स हो रहे हैं। इनकाउंटर्स कैसे हो रहे हैं? लाइक मैं आपके साथ एक पहले ये न्यूज़ शेयर कर लेती हूँ। जस्ट वन सेकेंड, ये दिस वन के आज की भी ये न्यूज़ है, लेकिन आज ही की ये न्यूज़ नहीं, बल्कि अगर डेली आप कश्मीर की न्यूज़ को, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की न्यूज़ को फॉलो करेंगे तो आपको डेली इस तरह के अकाउंट एनकाउंटर्स का पता चलेगा, जिसमें ये आता है कि बिकॉज़ ज़ाहिर ये इंडियन अखबार आते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने मिलिटेंट्स ढूंढे हैं, और मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ जो ये आर्मी है या आप देख रहे हो ये स्पेशल फोर्सेज हैं, स्पेशली ट्रेंड असैसिन फोर्सेज हैं, जो कर किसी भी गांव में एंटर होती हैं, किसी भी विलेज में, और ये डिक्लेयर कर देती हैं कि ये घर हैं, इनके अंदर मिलिटेंट्स हैं, उनको वो कॉर्डन ऑफ करते हैं उस विलेज को, तीनों तरफ से उसको सराउंड करते हैं, और फिर उसमें एंटर होकर वहाँ पर से यूथ को निकाल के उनको मारते हैं, और लाइक और ये फिर अखबार में इस तरह की खबरें आती हैं कि जी एनकाउंटर हो गया है और मिलिटेंट्स जो हैं वो 2-3 इस नाम के मारे गए हैं। तो ये एवरीडे हो रहा है, और जिसका जवाब सिर्फ यही हो सकता है कि कश्मीर का हर नौजवान जो है वो मिलिटेंट है, बिकॉज हर नौजवान फ्रीडम की स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, हर जो कश्मीरी है वो एक इनकी नज़र में टेररिस्ट है, बिकॉज हर कश्मीरी चाहता है कि वो इंडियन ऑक्यूपेशन से आज़ाद हो जाएं। तो इसी तरह मैं आपको ये शेयर कर रही थी न्यूज़ के
बहुत सारे यानी साइकोलॉजिकल भी तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि मतलब इंडियन यूथ को या इंडियन बच्चों को इस तरह से साइकोलॉजिकली लाइक किया जाए कि वो भूल ही जाएं कि उनको कुछ फ्रीडम चाहिए, या वो भूल ही जाएं कि उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। और जस्ट लाइक ये पीएम मोदी का अभी उन्होंने लाइक आप समझे कल या परसों उन्होंने ये बात की कि जम्मू और कश्मीर के जो यूथ हैं उनको दे शुड जस्ट लीव बिहाइंड देयर पास्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम न्यू पॉसिबिलिटीज़, यानी वो भूल जाएँ कि उनकी क्या हिस्ट्री थी, वो भूल जाएँ कि उनकी इलीगल और रॉन्गफुल हरी सिंह, जो प्रिंस हरी सिंह था, उसने रॉन्गफुल असेशन कर दी थी इंडिया के साथ। और हकीकी तौर पे जो इंडिपेंडेंस का टाइम था 1947, उसमें कश्मीर वॉज लॉफुली अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो कह रहे हैं कि ये इसको भूल जाओ और इस पास को भूल जाओ, और अब ये जो नए तुम्हें हम अपॉर्चुनिटीज़, यू नो आप कितने झूठे वादे ये लोग इनके साथ करते रहते हैं कि जी आपको हम एक इकोनॉमिक हब बना देंगे, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। ये अक्सर इनके पॉलिटिशियंस और इनके बिजनेसमैन भी आकर यहाँ पर इस तरह के कश्मीरियों के साथ वादे करते रहते हैं, लेकिन कश्मीरी यूथ जो है ना ही इनके वादों के ऊपर बिलीव करती है और ना ही वो किसी भी इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी जिसे वो कह रहा है, या फिर इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए अपनी आज़ादी की जंग को मतलब फॉरसेक करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह आप एक और उसी से जुड़ी हुई खबर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक और इनिशिएटिव इन्होंने कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के अंदर स्टार्ट किया है कुछ ही दिन पहले के यहाँ लिखा है कि इनिशिएटिव फॉर द लास्ट पास्ट 1 ईयर टू ब्रिंग रेडिकलाइज्ड और वल्नरेबल यूथ ऑफ द वैली इनटू द मेन स्ट्रीम, यानी कि एक सही रास्ता के नाम से इन्होंने एक इनिशिएटिव या एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें ये बहुत सारे जम्मू कश्मीर के यूथ को इसमें इस प्रोग्राम के अंदर लेकर आते हैं और उनके अंदर ये ब्रेन वॉशिंग या ये चीज़ करते हैं कि तुम लोग जो है ना अपनी रेडिकलाइजेशन या अपनी फ्रीडम फाइटिंग को छोड़ दो और इंडिया के साथ जो यानी मेन स्ट्रीम यानी इंडिया के साथ जो है ना जुड़ जाओ। तो इस तरह से हो रहा है कश्मीर के अंदर। लेकिन एक और आपको मैं इसका पहलू बताऊंगी। एक और चीज़ हुई कि ये जो इंडिपेंडेंस डे हमारा भी पाकिस्तान का भी गुजरा है, उसी के अगले दिन ये इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है, उसमें ये एक मुहिम नई चलाई गई थी कि कश्मीर टू कन्याकुमारी लाइक द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर, वहाँ पर हर घर तिरंगा की एक मुहिम चलाई गई, यानी कि ये जो इंडिपेंडेंस डे है इस दिन हर घर के ऊपर ना ये जो 3 कलर इंडियन फ्लैग है ये लहराया जाएगा, और कश्मीर में स्पेशली ये ऑर्डर किया गया कि हर घर के ऊपर ये कंपलसरी कर दिया गया कि वो ये ख़रीदें, स्कूल के बच्चों के ऊपर कंपलसरी कर दिया गया कि वो ये झंडा ख़रीदें और ये लगाएं अपने घरों पे, और उनके ऊपर लाइक उन्होंने कहा कि फ़ाइन होगा अगर किसी ने ये झंडा नहीं लगाया। तो ये एक ज़बरदस्ती और एक लाइक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर जिसको कहते हैं ना, जो एक आवाम नहीं करना चाहती है काम, एक चीज़ पे वो रजामंद नहीं, उसके ऊपर आप एक ज़बरदस्ती जो है वो करें। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक और न्यूज़ में आपको ये शेयर यहाँ पे करूँगी कि उमर अब्दुल्ला जो कि ही इज़ एक्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है उनके लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, और वो कारगिल में जाना चाहते थे, विज़िट करना चाहते थे, बिकॉज़ यू नो ही इज़ सेइंग दैट ही इज़ द चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन अ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 6 ईयर्स, यानी एक वो पॉलिटिकल फिगर हैं, उनके फादर भी पॉलिटिकल फिगर थे और वो 6 साल चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर ही थिंक्स दैट ही हैज़ ऑल द राइट टू मतलब विजिट कारगिल इन लद्दाख। लद्दाख का वो एक कस्बा है या गांव है कारगिल। तो ही वांटेड टू विजिट दिस प्लेस एंड द इंडियन अथॉरिटीज़ दे लाइक डिड नॉट अलाउ हिम टू डू दैट। तो उसके ऊपर ये ही सेड कि ये मुझे क्यों नहीं अलाउ करे, क्योंकि मैं तो कश्मीर का सिटीज़न हूँ, मैं तो कश्मीर का लाइक बाय बर्थ हूँ, और ये आई शुड बी अलाउड टू गो एनीवेयर।
इन कश्मीर, लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये किस तरह का डिवाइड कल्चर और एक यानी टोटल ऑक्यूपेशनल यू नो ऑक्यूपेशन फोर्सेस जब होती हैं तो वो आपके शहरों को भी एक दूसरे से अलग कर देती हैं, तोड़ देती हैं, और लोगों को एक दूसरी जगह पर नहीं जाना देती। जिस तरह इसी तरह सेम बिल्कुल पैलेस्टाइन में हो रहा है, जैसे गाज़ा वाले जो है वेस्ट बैंक में नहीं जा सकते, वेस्ट बैंक वाले गाज़ा में नहीं जा सकते, वेस्ट बैंक के अंदर जो डिफरेंट मोहल्ले और वो छोटी छोटी सिटीज़ कह लो वो लोग एक दूसरे के उसमें नहीं एंटर हो सकते, अपार्थाइड वॉल्स बनी हुई हैं। तो सेम थिंग अगर वो यहाँ पे कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट, ये पहले नहीं था, इससे पहले दे वर फ्री टू गो एनीवेयर, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद बिकॉज दे थिंक कि लद्दाख जो है वो नॉन मुस्लिम एरिया है तो इसको तो हम बिल्कुल ही अलग कर दें और इसको बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लें ताकि अब रह जाएं सिर्फ कश्मीर और जम्मू। तो दिस इज़ व्हाट दे डूइंग। और इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको सामने आ रही है कि व्हाट ही एक्चुअली सेड इज़ दैट दे कैन नॉट स्टॉप चाइना फ्रॉम एंटरिंग लद्दाख बट दे आर नॉट लेटिंग मी एंटर इन टू कारगिल। तो व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग ओवर हियर इज़ दैट चाइना हैज़ एंटर्ड लद्दाख, यू नो व्हाट दिस हैज़ हैपेंड समथिंग लाइक 1 ईयर अगो, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट जब चाइना एंटर हुआ था लद्दाख में तो काफ़ी महीने तो ये चीज़ बहुत हॉट रही न्यूज़ में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंडियन मीडिया ने और लाइक बिल्कुल इस न्यूज़ को दबा दिया और ऐसा लग रहा था कि चाइना इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया। बट द थिंग इज़ दैट दे आर स्टिल देयर। सो आई वॉन्ट टू लाइक शेयर विद यू अ फ्यू न्यूज़ दैट आर पॉइंटिंग आउट टू द सेम थिंग। एक तो ये अब आपको दिखेगा कि द इंडियन एयरफोर्स चीफ ही इज़ टेलिंग चाइना, ही इज़ सेइंग टू चाइना दैट बेंच मार्क फॉर नॉर्मलाइजेशन इन लद्दाख वुड बी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को, एंड लाइक द स्टेटस को दे आर टॉकिंग अबाउट इज द स्टेटस को बिफोर चाइना एंटर लद्दाख। तो दे आर सेइंग कि ये तब हमारे बीच में इंडिया और चाइना के बीच में नॉर्मलाइजेशन होगी जब लद्दाख के अंदर स्टेटस को एंड यानी कि बिफोर द वॉर बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट जो स्टेटस को था वो रिवाइव हो जाए, लाइक चाइना मुकम्मल तौर पर लद्दाख में से निकल जाए, विच इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग दैट चाइना इज़ स्टिल इनसाइड लद्दाख। सो इंडिया की जो भी पावरफुलनेस है, जो भी वो उसकी एम्बिशंस हैं, मगर वो उसमें इतनी ताकत नहीं है कि चाइना की फोर्सेस उसके एक इलाके के अंदर एंटर हो गई हैं और वो उनको निकाल सके। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग, लाइक दिस इज़ अनदर न्यूज़ दैट इज़ लाइक गोइंग टू पॉइंट आउट द सेम थिंग दैट नो ब्रेक थ्रू एट इंडिया चाइना मीट, ओनली अग्री टू कंटिन्यू टॉक्स ऑन LSC स्टैंड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्टैंड ऑफ। लाइक वट दिस न्यूज़ इज़ टेलिंग अस इज़ दैट दे हैव हैड समथिंग लाइक 25 हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स बिटवीन दैम चाइना एंड इंडिया, एंड इन ईच मीटिंग इंडिया हैज़ बिन इंसिस्टिंग कि तुम लोग आप हमारे एरियाज लद्दाख के अंदर से टोटली निकल जाओ और फिर हमारी तुम्हारे साथ मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन चाइना कह रहे हैं कि यार हम तो बैठे हुए हैं बिकॉज़ यू नो व्हाट हैपेंड, वो भी एक अलग स्टोरी है कि चाइना क्यों समझता है कि ये लद्दाख का कुछ एरिया जो है वो एक्चुअली चाइना को ही बिलोंग करता है, वो समझता है, वो क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है जो गलती से इनके पास ये जो मतलब रॉन्गफुली इनके पास है। तो दिस इज़ द थिंग दैट चाइना इज़ एक्चुअली सेटिंग इनसाइड दिस लद्दाख, एंड दिस इज़ लाइक अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दी लाइक मिलिट्री पावर्स ऑफ इंडिया, एंड लाइक मतलब ही इट इज़ एन एस्पायरेंट लाइक रीजनल पावर, लाइक ही इज़ इट एस्पायर्स टू बी अ रीजनल पावर, बट अगर आप इतना भी नहीं कर सकते कि आपके बॉर्डर के अंदर फोर्सेस आ जाएं और उनको निकाल दो आप, तो आप किस तरह से ये सोच सकते हो या ड्रीम कर सकते हो कि आप एक रीजनल पावर बन सकते हो। तो इस तरह की न्यूज़ जो है ये आजकल में ये चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये एक रिव्यू देती हूँ कि राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने 2-3 दिन पहले
ये चीज़ बोली थी, डेट भी मैं आपको बता देती हूँ, 28 अक्टूबर को उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि वी आर गोइंग टू लाइक रीच गिलगित बल्तिस्तान, वेयर इज़ दिस प्लेस, वेयर इज़ दिस प्लेस दैट इज़ इलीगली ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान। सो व्हाट ही सेड, ये उन दिनों पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इंटरनल पॉलिटिक्स बड़ी टेंस चल रही थी, और लाइक यहाँ पे इमरान खान और मुस्लिम लीग नून के बीच में बहुत टेंस माहौल चल रहा था, खबरों में भी ये चीज़ चल रही थी उस वक्त। जो है ये राजनाथ सिंह ने पीछे से ये बयान दिया कि पूरा जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर है वो भी क्योंकि वो कश्मीर का हिस्सा है, तो लिहाजा ये वो सारा ही हमारा है और हम बहुत जल्दी जो है ना रीच कर देंगे, हम पहुंच जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान में, लाइक उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। लाइक ये एक तो एक तरह से तो ये एक बिल्कुल ब्लंट और ओपन लाइक वॉर थ्रेट है जो कि रजनाथ ने पाकिस्तान को दे दी है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को दे दी है, और इतनी इरेस्पॉन्सिबल ये लाइक इस तरह का बयान है कि हम एक जो स्टेट ही है हमारे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को हम अपना प्रैक्टिकली वो हमारे साथ इलाक हैं ये इलाके, तो मतलब हाउ कैन यू जस्ट से कि अभी हम कश्मीर का इश्यू तो 70 साल से इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर जो है वो तो रिजॉल्व हो नहीं सका और वो बातें कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचने की। सो दिस इज़ द थिंग, और अगेन क्योंकि चाइना को तो वो कुछ कह नहीं सके, कुछ कर नहीं सके, और वो इस किस्म के स्ट्यूपिड बयान दे रहे हैं कि तुम पहले लद्दाख में से तो उनको निकालो, फिर तुम बात करो कि हम आगे बढ़ेंगे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। सो दिस वॉज रजनाथ, और इस पे यहाँ पे रुका नहीं है, बल्कि ये देखें एक और न्यूज़ इसके साथ ही साथ आई है, आज आई है, लाइक टुडे इज़ 1 नवंबर, कि जो उनका जीओसी चिनार कॉप्स जो था वो उसने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की जो गिलगित बल्तिस्तान का कमेंट है उसके जवाब में ये बोला कि आर्मी इज़ फुली प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर एक्शन ऑन ऑर्डर्स, लाइक ही इज़ सेइंग आंसरिंग हिज डिफेंस मिनिस्टर दैट तुम मुझे इशारा करो और मैं अभी बिल्कुल रेडी हूँ और हम पहुँचते हैं गिलगित बल्तिस्तान। तो दिस इज़ द वेरी इरिस्पॉन्सिबल ओवर एम्बिशियस टाइप ऑफ थिंग्स दैट दीज पीपल आर डूइंग, एंड डेफिनेटली इसके पीछे मोदी गवर्नमेंट और मोदी की जो बीजेपी पार्टी है और उसके पीछे जो RSS उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका पार्ट है बीजेपी, इनकी सोच है और इनकी लाइक इसको कहते हैं इम्पीरियलिस्ट और फनेटिक और एक्सट्रीमिस्ट सोच है जो कि इस तरह की बातों के पीछे है। तो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग, कश्मीर के लोग जो हैं वो बिल्कुल खुश नहीं हैं इंडिया के साथ, एंड दे आर द यूथ इज स्ट्रगलिंग एवरी डे, दे आर बीइंग अटैक्ड अंडर दिस नोशन ऑफ मतलब काउंटर टेररिज्म, और उनको मिलिटेंट्स डिक्लेयर कर करके मारा जा रहा है, और उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकली उनको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं इंडिया तो बहुत अच्छा है और तुम लोग इंडिया के पार्ट हो और हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे एंड दिस एंड दैट, और प्रैक्टिकली वो उनके बच्चों को डेली मार रहे हैं, और आप सोचो कि एक एक शहादत होती है तो उस कौम के ऊपर क्या गुजरती है, और जिस स्टेट के अंदर डेली शहादतें हो रही हैं, डेली जवान लाशें उठ रही हैं, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, लोगों के क्या जज्बात होंगे। सो दिस इज़ द थिंग, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है ये भी एक डायनामिक और बहुत ही डेली इसमें चेंजेस आते हैं, डेली नई चीज़ें आती हैं, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान जो है ये कश्मीर जो है वो हमारे भाई हैं और हमारे बिल्कुल लाइक पार्ट ऑफ आर कंट्री हैं, जब तक उनकी उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, जब तक उनको उनकी आज़ादी नहीं मिलती, जब तक वो उनको हक नहीं मिलता अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन का, तब तक हम उनको अपने मुल्क का हिस्सा ही कंसिडर करेंगे, अपने जिस्म का हिस्सा कंसिडर करेंगे, और उनकी हर तकलीफ हमारे लिए जो है वो तकलीफ होगी। तो प्लीज़ कीप एन आई, मैं भी आपको इसका राउंड अप इंशाल्लाह देती रहूँगी। थैंक यू सो मच।